समस्त भिक्षुओं को बस एक बात बताना चाहती हूं कि कामनाओं का विनाश उसकी समस्त शर्तों और सत्ता के साथ ही संभव है। कामना से दूर रहकर कामना का विनाश एक प्रहसन है, छलावा है। क्षमति के बारे में गौतम से चर्चा कर ली जाए तो संभवतः अच्छा हो। नहीं, कोई लाभ नहीं। क्यों? गौतम की समस्त वाणियां और विचारधारा लिपिबद्ध हो चुकी है, उसी ने ही क्षमति के प्रश्न का उत्तर। चलो, प्रार्थना का समय हो रहा है। मैं जान चुका हूं कि मेंढक क्यों टराते हैं, झिमरों की झिंकारी अन्य मनस क्यों करती है, और वर्षा में भीगने पर भी ये शरीर शीतल गीला क्यों नहीं होता है। इच्छामती ने तुम्हें विचलित कर दिया है और मेरे संपूर्ण ज्ञान का उपहास कर गई है। वो जा चुकी है। चली गई, किंतु मैं जानता हूं वो लौट आएगी, उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। पर वो चली क्यों गई? संग में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। क्या चाहती थी वो? सामान्य मनुष्य की तरह निपट मिथ्या वस्तु ढूंढ रही थी जो किंचित आघात मात्र से टूट जाती है। पर वो मुझे बुला रही थी। हाँ, वो मुझे बुला रही थी और मैं जा नहीं सका। मैं क्यों नहीं जा सका? जाना चाहते? संभवतः इच्छा मती अभी अधिक दूर नहीं गई होगी। जाओगे? जाऊंगा। किसी आदर्श के लिए संघ ऐसे नेक लोगों का त्याग कर सकता है? और संघ किसी को क्षमा नहीं करता। प्रभावित होना और उद्भूत होना एक ही बात नहीं है नीलोहित। क्या करूं? यदि जाना चाहते हो तो मार्ग प्रशस्त है, तुम जा सकते हो। प्रार्थना का समय हो गया। कहां जाऊं, किसके पास? परिधान बदल रहा है, धीरे धीरे सभ्य से सभ्यतर होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। इस सारी परेशानियों की ओर पीठ करके एक अपराधी की तरह, एक बंदी की तरह अपने कंधे पर सिर टिका के पड़े रहना। बहुत
असंभवता वृक्ष तले ही आश्रय होगा। क्या कह रहे हैं आप? हम लोग घने रहने की प्रवेश पत्र है। गौतम यथासंभव लोगों की भीड़ से दूर ही दूर है। हाँ, मैंने भी देखा है। जबकि पहले मार्ग में जाते समय यदि हठात लोकारण्य, बस्ती अथवा गांव दिखते तो वे शिष्यों को उपदेश देकर शीतल करते थे। जबकि वाराणसी के निकट पहुंचकर उन्होंने मुझे किसी अन्य मार्ग से चलने का आदेश दिया जो मार्ग जनदृष्टि से एकदम भिन्न है। लेकिन ना जाने कितने जनपद, कितने नगर उनके अभिनंदन के लिए तैयार हुए होंगे, कितने उन्मुख आंखों और व्यग्र हृदयों ने उनके स्वागत की प्रतीक्षा की होगी। वो सब तो ठीक है, किंतु इस घने अरण्य में हम दोनों कबो सारे पुत्र प्रभु अजय ही रात्रि विश्राम का आयोजन करो। प्रभु, जंगली जानवरों और सरीसृपों का भय है क्या? जीवन भर कम जंगली जानवरों और सरीसृपों का सामना करना पड़ा, न जाने क्यों जो भी भयंकर बुखार मेरी आंखों के आगे आते हैं सब परिवर्तन आ जाता है। ये तो प्रभु की अलौकिक साधना है। याद है आनंद, एक बार दिन भर का प्रचार कार्य समाप्त करने के बाद जब हम लोगों ने विश्राम लिया था तब एक दिन का खाद्य तक हमारे पास नहीं था। नया दर्शन ग्रहण करने हेतु लोग विमुख थे, किंतु उन दिनों आज ऐसी दुविधा नहीं थी। किंतु आज प्रभु गौतम की वाणी सर्वत्र व्याप्त है। किंतु उस दिन का वही गौतम आज इतने सारे अनुभव प्राप्त कर नए अनुभवों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयारी कर रहा। आनंद प्रभु, आज यही रात्रि बिताने का प्रबंध करो। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। चलो कहने पर भी इनके मन में वही एक प्रश्न है कि चातुर्मास्य के लिए मनाए जा रहे इतने बड़े समावेश को भंग करके मैं क्यों चला आया। लोगों की भीड़ और जनपद छोड़कर आज मैं अपेक्षाकृत निर्जन रास्ते पर क्यों भटक रहा हूं? मैं कौन? सिद्धार्थ, गौतम, बुद्ध या तथागत? मन अशांत।